नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? Hey guys, welcome back to my channel. Guys, Pushpa the Rise ऑडियंस को खूब एंटरटेन कर रही है. साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की स्टाइल भी लोगों को खूब लुभा रही है, लेकिन इसके पीछे अल्लू अर्जुन की कड़ी मेहनत है, जिसके चलते गाइस उनका कंधा आज भी दर्द करता है. एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने फिल्म से लेकर फैमिली क्रिटिक्स आदि के बारे में रोचक जवाब दिए. चलिए जानते हैं उन दो सवालों के जवाब जिन्हें आप भी जानना चाहते हैं. सो लेट्स बिगिन. गाइस, रिपोर्टर का पहला सवाल है, फिल्म में कंधा उठाने और दाढ़ी पर हाथ फेरने की स्टाइल बड़ी अच्छी लग रही है, ये आइडिया किसका था? इसका जवाब देते हुए अल्लू अर्जुन ने कहा, ये मेरा और डायरेक्टर का आइडिया था. मैंने एक फाइट शॉट के बीच में ऐसा किया, तब डायरेक्टर इसे देखकर बोलने लगे कि ये बहुत अच्छा है, इसे हम करेंगे. मैंने बोला, ये करेंगे? उन्होंने कहा, हाँ, जब तुमने स्क्रीन पर किया तो अच्छा लगा, इसलिए फिल्म में कई बार दाढ़ी पर हाथ फेरने की स्टाइल किया और अब ये ट्रेंड बन गया है. गाइस, आपको बता दें कि ये स्टेप इतनी वायरल हुई है कि इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक हर जगह इसके वीडियो देखने को मिल रहे हैं. यहाँ तक कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने भी ये ट्राई किया है. गाइस, इसके बाद रिपोर्टर ने अल्लू अर्जुन से अगला सवाल पूछा, कैरेक्टर की तरह आपकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल नहीं है, 3 घंटे की फिल्म में इसे आपने कैसे अपनाए रखा? इसका जवाब देते हुए अल्लू अर्जुन ने कहा कि बॉडी लैंग्वेज के लिए डायरेक्टर बोल रहे थे कि मुझे कुछ यूनिक बॉडी लैंग्वेज चाहिए, जिसे थिएटर में देखकर लोग तेरे जैसा वॉक करने लगे. कुछ भी करो, वह लेकर आओ. 3-4 आइडियाज थे, लेकिन ये कंधा उठाने वाला आइडिया अच्छा लगा. एक शोल्डर ऊपर रखने में थोड़ा अलग और डिफरेंट लगता है, और इसमें थोड़ा हीरोइज्म भी आता है. ये 3 घंटे का नहीं है, ये 2 साल की मेहनत है. कंधा आज भी दर्द करता है. तो गाइस, अल्लू अर्जुन के आंसर से आपको पता चल ही गया होगा कि फिल्म के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की है. वैसे आपको उनकी कौन सी स्टाइल अच्छी लगी, कमेंट जरूर करें. एंड फॉर मोर सच वीडियोस, यू नो व्हाट टू डू, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू नो व्हाट ऑल, आल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक फॉर मोर अपडेट्स. मेरा और मेरा डायरेक्टर का आईडिया था, ये जो मैं कर रहा था ना, वो मैं एक शॉट में एक फाइट के बीच में ऐसा किया था. डायरेक्टर उसको देख के बोल रहा था, ये बहुत अच्छा है, ये करेंगे आप. सोचा ये है, हाँ बहुत अच्छा.